आपका ऐतिहासिक धरती है, पावन धरती चंपारण है, जो शहीद है आजम सिंह जो भगत का परिवार से जो प्रपोत्र है आ चुके हैं। हमारे जितने भी अतिथिगण हैं, विशिष्ट अतिथिगण हैं, उनसे आग्रह है कि दूध प्रज्वलन में भाग लें। नमस्कार जोहार, मैं अंकित कुमार। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बरही विधानसभा के विधायक उमा शंकर अकेला यादव। आज इनके आवास के प्रांगण में शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कैसा लग रहा है आज? आपका सपना था और वो सपना आज पूरा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सपना आज शहीद आजम भगत सिंह के पोते जगमोहन सिंह जी ने आपके उस सपने को साकार किया जी, और उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने आकर के झारखंड में एक नई ऊर्जा और खास करके बिहार के पूर्वोत्तर बड़ी विधानसभा में जो चिंगारी हुई है, इसके लिए मैं जगमोहन सिंह जी को और कुरैशी साहब जी को और हमारे रंजीत सिंह जी को, ये सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ जो हरियाणा से मंगाए हैं। और मैं बधाई देता हूँ मैं जगमोहन सिंह संधू जी को, हम पे विश्वास किया है। अब जो वो शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और उन्होंने हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी दी कि भगत सिंह के सपनों को साकार करना है, झारखंड उनके विचारों को पूरे झारखंड में लागू करवाना है। ऐसे तो मैं 10वीं क्लास से ही भगत सिंह के अनुयायी रहा हूँ और जब जब विधायक बना हूँ तब तक विधानसभा में भगत सिंह के श्रद्धांजलि दिलाने का काम करता हूँ और कई समाचार हैं तो विधानसभा के माध्यम से श्रद्धांजलि दिलाता हूँ। और उनको इसलिए और बधाई देता हूँ कि इन्होंने प्रांतीय अध्यक्षों को बनाए शहीद भगत सिंह जी के, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तो सपना आज कि आपको आपने पूरा किया, तो आपके जो सपना है कि शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के माध्यम से पूरे राज्य में उनके विचार बताए, इसकी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर गई है। और हमारे कई विधायक हमारे साथी लोग हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप अपने अपने क्षेत्र में शहीद भगत सिंह ब्रिगेड का स्थापना करें और सिंधु साहब जी को आप ला करके वहाँ ये बताएं कि आपने जो सपना संजोया था हरियाणा में, पंजाब में आप सक्सेस है, आप झारखंड में, उत्तर प्रदेश में आप कहाँ कहाँ किए होंगे आप जाने की, लेकिन शुरुआत आपने झारखंड के बड़ी विधानसभा से की है बिहार के बॉर्डर पर। अब वो सपना मैं कोशिश करूंगा, सिंधु साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे झारखंड में आपके सपना को साकार करा।